हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन शिवानी का सीक्रेट। कैसे हो आप सब गाइस? आज मैं आपको बताऊंगी VLCC गोल्ड फेशियल किट के बारे में कि ये कैसे स्किन वालों को यूज़ करना चाहिए, ये कैसे वर्क करता है और इसे कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइस, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। बट गाइस, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, थोड़ा भी स्किप नहीं करना क्योंकि आप कहीं कोई इम्पॉर्टेंट बात मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश लिया है। आप अपना कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं डेली। फेशियल करने से पहले हमें अपनी स्किन को अच्छी तरह से फेस वॉश से क्लीन कर लेना चाहिए। इससे जो भी डर्ट होते हैं हमारे स्किन पे वो सब हट जाते हैं, ताकि हमारा फेशियल किट के साथ डर्ट मिलकर हमारे स्किन में मिल के नुकसान ना करें। गुड वाइब्स का ये फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये डीप क्लीन करता है, एकदम स्किन फ्रेश और क्लीन हो जाती है, तो मुझे ये ठीक लगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ VLCC का फर्स्ट स्टेप क्लींजिंग। हम अपने स्किन को अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे। अब पूरा मेरा फेस क्लीन हो गया, फेशियल के लिए रेडी हो गया। गाइस, इसका टेक्सचर और फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी हैं। नाउ सेकेंड स्टेप गाइस, स्क्रब। स्क्रब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे स्किन को वीक में 2 बार कम से कम स्क्रबिंग करना चाहिए। हमारे जितने भी डेड स्किन्स होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सभी रिमूव हो जाते हैं। एक बात है गाइस, इसे सभी स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, सभी स्किन के टाइप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा स्किन पे खुद कुछ सूट नहीं करता है, मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा स्किन ऑयली है। सो मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा सूट करता है। और इसकी फ्रेग्रेंस और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, बार बार स्मेल करने का मन करता है। अगर आप फेशियल कर रहे हैं कोई भी, तो अगर आपको लगता है कि सूख गया है फेशियल उसको मसाज करते करते, तो आप उसमें थोड़ा गुलाब जल यूज़ करें, देन उसको मिलाएं। जैसे आप मेरी स्किन पे देख सकते हैं, सूख गया था तो मैंने गुलाब जल यूज़ करा, देन अच्छे से उसको मसाज करा, देन ये गाइस स्टेप है। आपको ये फेशियल में, अगर आप खुद से फेशियल कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने ही करने चाहिए। इससे हमारी स्किन ऊपर की तरह टाइट जैसी होती है, नीचे की तरह हमें कभी भी फेशियल नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ हमारा चेहरा आगे जाकर और नीचे की तरफ लटक जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ऊपर की तरह मसाजिंग करना चाहिए, हमारे आईज़ को हल्के हाथों से आईज़ के चारों तरफ मसाज करने चाहिए। गाइस, मंथ में एक बार तो फेशियल करना ही करना चाहिए। अगर आप अपने आपने कभी फेशियल नहीं किया है तो आप फर्स्ट टाइम VLCC का गोल्ड फेशियल किट यूज़ करो, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, आपको पसंद भी आएगा। गाइज, आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो कितनी शाइन आ गई है। देन ये मैं VLCC का थर्ड स्टेप जेल है, इसे भी हमें सेम प्रोसेस में करना है जैसे हमने स्क्रब के साथ किया था, सेम मसाजिंग स्टेप करना है ऊपर की ओर। इसे आँखों के ऊपर भी अच्छे से मसाज करिए, आँखों के चारों तरफ, जिससे हमारा जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसे भी ये कम करता है। मैंने यहाँ वीडियो को फुल स्पीड में किया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना पड़ जाए, बट मैंने स्क्रबिंग वाले में
पूरा आपको स्टेप बताया जिससे आप वैसे ही इसे भी करना है इसके साथ। सेम मसाज स्टेप आपको सभी के साथ करना है। और अगर आपको बीच बीच में सूख जाता है या लगता है कि और करना चाहिए तो आपको गुलाब जल ऐड करते रहना है। देन गाइस आप लोग मेरी स्किन देख सकते हो, ये है फोर्थ स्टेप क्रीम, BLCC का क्रीम। अब हम इसे भी वैसे ही उसी स्टेप के साथ मसाज करेंगे। गाइस आप लोग के घर कोई भी फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो आप लोग एक दिन पहले इसे ज़रूर ट्राई करो, यूज़ करो, आपको बहुत अच्छा नेक्स्ट डे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका स्किन एकदम खिला खिला हुआ मिलेगा आपको, आपको खुद फ़र्क पता चलेगा। आप बस यूज़ करके देखो, बहुत ही अच्छी फेशियल किट है, मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। Now you can see guys, उफ मेरा तो फेस वॉश कर कर के हालत ही ख़राब हो गया, जैसे कोल्ड ही हो जाएगा। इसमें सभी गोल्ड नेचुरल बेनिफिट्स वाली चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं, जिससे आपके स्किन को आपको यंग नेचुरली चमक मिलता है आपके स्किन को। गाइज आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ मैं BLCC का मड फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, जबकि गाइज BLCC फेशियल किट के 6th स्टेप में आपको पील ऑफ मास्क मिलेगा, आप वो यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ BLCC का मड फेस पैक यूज़ कर रही हूँ बिकॉज गाइज मैंने कुछ दिन पहले ही कॉफ़ी एंड एवर यूथ पील ऑफ मास्क यूज़ करा था और मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपना अपलोड किया था, सो मैं यूज़ ये कर रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं वीक में इसको एक बार अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, बहुत ही नेचुरली लगता है मुझे, सो आई कैन यूज़ इट। आप भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। BLCC कंपनी की यह गोल्ड फेशियल किट एंटी एजिंग से फुलफिल है। यह स्किन को ग्लो एंड हाइड्रेटिंग करता है, साथ ही आपके कई साल कितने भी पुराने एक्ने हो, झाइया हो, डल स्किन है अगर आपका, तो सभी प्रकार की ये आपकी सभी स्किन की प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर देगा। बस आप इसे यूज़ करो मंथ में एक बार, आपको असर खुद दिखेगा, आपको फ़र्क खुद दिखेगा। अब यहाँ 6th स्टेप ऑयल फ्री लोशन है, जो आपको पूरा फेशियल स्टेप के बाद इसे चेहरे पर लगाकर छोड़ देना है। बट मैं यहाँ पे BLCC का ये ऑयल फ्री लोशन यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि टोनर यूज़ करूँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, आयूर का टोनर है। इसे मैंने स्प्रे बॉटल में रिस्टोर किया है ताकि ईजिली मैं अपने फेस पे स्प्रे कर सकूं। ये मैंने गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम लिया है, मैंने इसे सेल में लिया था, 4 प्रोडक्ट्स, बाय 2 गेट 2 फ्री, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने ये फर्स्ट सीरम यूज़ करा है अपने फेस पे और बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम लगाने के बाद सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, आपको खुद का अपने ही चिक बार बार टच करने को मन करेगा, बहुत ही मुलायम हो जाता है। आप भी यूज़ करो, अगर आपने कभी सीरम यूज़ नहीं करा है तो अब गुड वाइब्स का रोजहिप सीरम ज़रूर आपको बहुत पसंद आएगा और आप पे सूट भी करेगा। मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स का कोकोनट ब्राइटनिंग एंड वाइटनिंग डे क्रीम, ये भी मैंने पर्पल ऐप से उसी सेल में ऑर्डर किया था, बाय 2 गेट 2 फ्री, बहुत अच्छा ही सेल था। ये कोकोनट का है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी टेक्सचर फ्रेग्रेंस वाओ, जस्ट वाओ, बहुत अच्छा है।
और मैं यहाँ गाइस बेबी पाउडर यूज़ करती हूँ। मैं कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, चाहे वो कितना भी ब्रांडेड कंपनी हो, कितनी भी महंगी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, मैं कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करती। मैं जब भी यूज़ करती हूँ बेबी पाउडर ही यूज़ करती हूँ। बिकॉज गाइस मेरा मानना है कि आप जितना अपने स्किन पे पाउडर यूज़ करते हो तो वो आपके स्किन को ब्लैक करता है। अब मैं यहाँ पे लक्मे 925 का नेचुरल मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको सबका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचुरली लगता है। यहाँ मैंने अब अपने आईब्रो पे आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। गाइज मैं अपना थ्रेडिंग नहीं बनवाती हूँ, कभी नहीं बनाया, ना ही कभी बनवाऊंगी। आई होप, उम्मीद तो यही है कि मैं कभी ना बनवाऊं। बिकॉज सभी लोग बोलते हैं कि आपकी थ्रेडिंग देख के नहीं लगता कि आप नहीं बनवाते हो, बहुत सही है। तो मुझे भी लगता है कि मैं नहीं बनवाऊंगी। मैं आईब्रो पेंसिल से अपनी थ्रेडिंग को शेप दे देती हूँ। देन ब्रशेस है, ये मस्कारा का ब्रशेस है, उसका ख़त्म हो गया, तो मैं इसे आईब्रो कॉम में यूज़ करती हूँ। गाइस आप जब भी आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं तो छोटे वाले ब्रश या कॉम से या मस्कारा कॉम से आप उसे मेल्ट कर लो। इससे आपका आईब्रो पेंसिल और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और अच्छा दिखेगा आपका आईब्रो। Now this is the one of my favorite mascara, मुझे बहुत ही पसंद आता है। सिर्फ 45 के आसपास होता है और ये बहुत अच्छे से लग भी जाता है। और जब तक आप ना चाहो गाइज ये थोड़ा भी नहीं फैलेगा, बहुत मुझे बहुत पसंद आता है। देन ये मस्करा, आपको मस्करा हमेशा सीधे नहीं लगाना चाहिए, उसमें zigzag करके टाइप का लगाना चाहिए, तभी आपके पलके जो होंगी ऊपर की तरह आएंगी, आप अच्छी दिखेंगी। नाउ गाइज आप लोग देख सकते हो, वाओ इसकी फ्रेग्रेंस अब तक आ रही है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। गाइज अगर आप लोग ने कभी बिगेनर्स हो, आप लोग ने कभी यूज़ नहीं करा है कोई फेशियल, कोई सीरम, कोई क्रीम, तो गाइज मैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ें लेकर आती हूँ जिससे आपके स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।